आया साहब शोरबे में बोटी का इंतजार करेंगे बोलना साहब या ऐसे ही फिर इसी स्पीड से आगे आएंगे? और दूसरा जर्नैल अपना अपना जी, ये क्या बात हुई? वो जर्नैल जो अच्छा है हमारे साथ है वो अच्छा है, जो हमारे साथ नहीं है वो अच्छा नहीं है। इसी तरह जजों का यहाँ मामला है, जो जज हमारे साथ अच्छे हैं नून लीग को भी नहीं मिली वो बहुत अच्छे हैं। बेसिकली मैं बारहा एक चीज अर्ज कर चुका हूँ दुआ की, ये पहला इलेक्शन है इस मुल्क का जिसके बाद लोग ये शिकवा नहीं कर रहे, ये शिकायत नहीं कर रहे कि हमें हरवाया क्यों। उनकी सिर्फ एक शिकायत है कि हमें जितवाया क्यों नहीं। उसकी वजह ये कि इलेक्शन हुआ ही इसी तरह से कि वो समझते हैं कि वो बाकियों को जितवा दिया गया। ये आप सबसे बड़ी मिसाल तो फैसल साहब का शहर है कि वो बात करते हैं जी हम मुंतखब नुमाइंदे, और नुमाइंदे कहते हैं मुंतखब और वो समझ आ रही होती है कि बेचारे बड़ी मुश्किल से लफ्ज अदा कर पा रहे होते हैं। ये इलेक्शन ही बहुत डिफरेंट हुआ है। धांधली हर इलेक्शन में हुई है इसमें कोई शक नहीं है, मैनेज भी होती हैं चीज़ें, हुई पिछले इलेक्शन में भी हुई, लेकिन मसला सिर्फ ये पड़ गया ना कि जिनको लाना चाह रहे थे आपके उनके पास पॉपुलर वोट बैंक नहीं था, वो इसलिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ी और सारे मामला खराब हो गए। फिर मौलाना के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ कि वो समझ रहे थे कि नए सेटअप में प्रेजिडेंट में आराम से बन जाऊंगा। अब देखिये ना, नवाज शरीफ साहब से रब्ता है, जरदारी साहब से नहीं है, क्योंकि उनसे वो नाराज हैं, वो समझते हैं कि जरदारी साहब ने मेरा हक मारा है। और बाकी मतलब ये इकट्ठे होते हैं नहीं होते, या उससे पहले कोई वो डील अच्छी मिल जाती है उनको, मामला तो उनके बेहतर हो जाते हैं, स्टिल मैं समझता हूँ कि इनको चीज़ों को जो मर्जी हो सिर्फ बढ़के ही क्यों ना हो, इनको इजी नहीं लेना चाहिए। मतलब वो जो बात करते हैं ना मुल्क के हालात इस तरह के नहीं है कि आप मतलब इनको कहें कि जी आ जाएं सड़कों पे भी आ जाएं, वो धरने भी देना शुरू कर दें। और ये जो हाफिज साहब कह रहे थे ना, वो तालिब इल्म बेचारे, हाफिज साहब तालिब इल्म हो या कारकुन हो, वो बेचारे निकलते ही अपनी तरफ से जिहाद के लिए, जब उनका लीडर उनसे कह देता है कि आ जाओ सड़कों पर, तो उनको यही लग रहा होता है ना कि बस हमने जाना है और उसके बाद हुकूमत चेंज हो जानी है और फिर बस सब कुछ ठीक हो जाना है विद इन नो टाइम। इस तरह नहीं होता, लेकिन हम बदकिस्मती है हमारी, हमारा मुआशरा और मुल्क बन ही ऐसा गया हुआ ना कि वो जिसको जो लीडर पसंद है उसको लगता है कि इसके आने से हर चीज ठीक हो जाएगी, जब नहीं होती है उसके बाद फिर मायूसी उसकी डबल होना शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि मतलब इंतजार ना किया जाए बहुत सी चीजों का। मतलब इस वक्त भी वो जो बैब बड़े अरसे से ही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप सुनती नहीं है, दुआ मैं क्या करूँ? नहीं नहीं सर, मैं सुनने के लिए यहाँ पर नहीं, मैं कहता हूँ ना कि बात कर लें, वो बैठ जाएं, कुछ चीजें मामला तय कर लें, जिन्होंने सुनना है उनको सुनना चाहिए। ये फैसल नहीं सुन रहे ना सर, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, कोई हमें भी बता दें। नहीं, ये फैसल से बात करने चाह रहा हूँ मैं, फैसल मेरी बात ही नहीं सुन रहे आजकल। नहीं नहीं, आप दुआ का नाम ले रहे थे, आप फैसल पे चले गए। नहीं, दुआ पर रोक देती है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ तो दुआ फैसल को रोक देती है कि नहीं बात नहीं करनी। हाँ, फैसल साहब ने बात नहीं करनी, चले आप कराची में बात करनी है। कराची 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 शहर तो उतना ही खुशकिस्मत है जितना 2018 में शोएबों को जगा के जिता दिया था। तो कौन सा फर्क पड़ गया, इलेक्शन तो एक ही जैसा होता फर्क है। तो पड़ा है राणा साहब, तरजीहात जिस तरह हमें अदालतों और जर्नैलों की बात लगती है ना, हम अगर जर्नैलों और जजों पे कह सकते हैं कि हमारी पसंद के हुए, तो इलेक्शन भी लोगों की पसंद और नापसंद पे होता है कि मेरी पार्टी जीती या नहीं जीती, तो उस पर भी वही राय आ जाती है। मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल जुबानो बयान पे कमाल अबूल है, और वो जब कहते थे इमरान खान के दौर में कि नैब का नोटिस आया तो ऐसे करके फाड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह ही बयान आया। लेकिन आज आपने सुप्रीम कोर्ट में कमाल देखा कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब उस पीटीआई से जो जफियां पपियां करने के लिए फौरन मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचती है, उन्होंने कहा ये मखसूस नशिस्तें हमारी है और हम लेंगे। कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई के सेनेटर भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये हमारा हक है। तो ये बात जहन में रख ले, साडा हक इतने रख, उधर डीआई खान में लड़ाई है गवर्नर की भी, मौलाना फजलुर रहमान की भी और वजीर आला की भी, ये सारे एक जैसे उसी पे खड़े हुए हैं। अब असल इशू ये है कि गवर्नर वजीर आला लड़ाई लड़ते रहे, वो सूबे को क्या देते हैं। मैं तो कहूंगा ये जो अयाज साहब ने आज शुरू की ना महंगाई की बात, कि 38% से वो एक साल में 11.8% पे आ गई, ठीक है, एक अच्छी बात हुई कि आम आदमी के लिए
कुछ ना कुछ रिलीफ, पहले बिल्कुल तबाही थी और हम बात करते थे उसी पे कि भाई ये क्या हुआ है। अगर अच्छे इशारे आ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से महंगाई बढ़ेगी भी सही, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट जो वादे हुए हैं वो आ जाती है, क्योंकि वो भी सारा बेल आउट पैकेज के साथ खड़ा है, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे और सबके लिए। सियासतदानों ने यही काम करने हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रह जाए, रियासती इदारों ने भी यही काम करने हैं। वो मेरी और आपकी पसंद और तजिए पर नहीं कर रहे होते, उनकी पसंद और नापसंद बिल्कुल कुछ और तरह की होती है। वहां मामला ये छोटे छोटे नहीं होते कि बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, कोई गाड़ी का मसला बन गया है, कोई वैगन में पहुंचना है नहीं पहुंचना है, वहां इश्यूज पता है आपको, वो इंटरनेशनल सतह पे बच्चों की फीसें होती हैं, लोकल लेवल के स्कूल की बात नहीं होती, वहां इंटर्नशिप भी बड़े बड़े इदारों की चाहिए होती है, मल्टीनेशनल में चाहिए होती है, लोकल नहीं चाहिए होती है। ये सारों के मसाइल कुछ और है, हम ऐसे ही गिनते हैं कि वो बेचारे हमारे लिए बैठे हैं, उनके अपने बड़े मसले हैं। बहरहाल मौलाना फजलुर्रहमान जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि बयानियां जो भी वो कहें केपी के अंदर उनका हिस्सा जितना भी बनता था अगर वो समझते हैं तो वो तो पीटीआई ने लिया ना, उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने लिया, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिला। और मौलाना फजलुर्रहमान को आप बिल्कुल ना समझे कि उनकी जरदारी साहब से कुटी हो गई है, वो वहां भी जपियां पपियां करते हुए आपको नजर आएंगे, बिल्कुल ये सियासतदान अच्छे हैं, ये दरवाजे बंद नहीं करते। उन्होंने इमरान खान के लिए वेलकम कर दिया कि आ जाए आप, वो जब चाहता है असद कैसर साहब वफद लेके पहुंच जाते हैं, उमर अयूब पहुंच जाते हैं। सियासत बहरहाल इसी चीज का नाम है कि आप मुस्तकिल दरवाजे ना बंद करें। मौलाना फजलुर्रहमान से सीखना चाहिए लोगों को कि आपको और आम आदमी को कैसे रिलीफ मिल सकता है, वो बयान यूं ही जारी रखें। जी बिल्कुल। नाज़रीन क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, ये सवाल फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है मौलाना फजलुर्रहमान का लबो लहजा, या आपको लगता है कि ज़्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए? अच्छा मैं एक पहले एक बात, वो आमिर साहब कह रहे थे ना कि वो बूटी नहीं मिली खाली शोरबा मिला, बूटी तो इस हुकूमत में किसी को पास नहीं है, शोरबे भी गुजारा चल रहा है, मौलाना साहब को शोरबा भी नहीं मिला मेरा ख्याल है, तो थोड़ा सा यूं बेहतर। अब एक मिनट फैसल भाई, मुझे एक सिर्फ छोटी सी वजाहत कर लेने दें, ये एक इतना पुराना मुहावरा है और वो मौलवी साहब के हवाले से ही है कि अगर शोरबे में बूटी साथ आ जाए तो वो हलाल समझी जाती है। आप इसको इसी तरह ले, मैंने ये नहीं कहा इसको मिली या नहीं मिली, समझे हैं बात आप? ओके ठीक हो, मैं समझ गया बिल्कुल समझ, बहुत शुक्रिया। अब दूसरे जो एयाज साहब ने और आमिर साहब ने इलेक्शन की बात की है ना, कराची में हुआ है, कराची में 2018 में 2024 में जो फर्क है ना वो ये है कि 2018 में नंबर टू को नंबर वन किया गया था और कुछ सीटों पर किया गया था, अब की बार जो है वो नंबर सात और आठ को जो है वो नंबर वन कर दिया गया है, तो ये जो है ना एक फर्क आया है। दूसरी बात ये कि ये खुद एमकेएम ने कहा कि जो वीडियो उनकी लीक हुई है करवाई गई उसमें कहा, उन्होंने खुद कहा कि नून लीग वालों ने हमें बैठा के मुंह पे कहा है कि आपका तो 100% मैंडेट ही जाली है, हमारा हो सकता है 19-20 कुछ जीत गए हो, कुछ जितवा दिया गया हो, लेकिन आप तो बिल्कुल ही 100% जाली मैंडेट के साथ है, तो हम आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे, किया भी उसी तरह ट्रीट कर भी उसी तरह रहे। बाकी मौलाना साहब का मामला वही है कि भाई फॉर्म 47 में क्या मेरे नाम की गुंजाइश खत्म हो गई थी? अगर खत्म हो गई तो छोटी मोटी जगह मेरा नाम भी तो लिख देते हैं, बाकी कोई और इसके अलावा मौलाना साहब का इशू नहीं है, लेकिन अब वो उनका नाम अब आ नहीं सकता उसमें, बाकी